नमस्कार, सोच विचार मीडिया में आपका स्वागत है, काजल शर्मा के साथ। आइए चलते हैं आज के एंटरटेनमेंट न्यूज की ओर। हाल ही में ममता कुलकर्णी ने सोशल मीडिया पर अपना फोटो शेयर किया है, जिसे देखकर फैंस ये यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि यह ममता कुलकर्णी ही है या कोई और। आपको बता दें, अपनी मासूमियत और खूबसूरती के कारण ममता कुलकर्णी उस समय की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल हो गई थी। उस दौर की कई फिल्मों में उन्होंने अपने टैलेंट से लोगों को दीवाना बनाया था। हालांकि बाद में अचानक ही वह फिल्मों से गायब हो गई। उनके अचानक फिल्मों से गायब होने से उनके फैन को काफी बड़ा झटका लगा था। सालों बाद ममता कुलकर्णी की तस्वीरें और न्यूज लोगों के सामने आई है। बदले हुए चेहरे के साथ लोगों के लिए यह पहचानना मुश्किल हो गया है कि यह वही सुंदर सी एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी है। रिपोर्ट के मुताबिक माने तो उन्होंने अपने करियर को बीच में ही छोड़कर ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी कर ली थी और देश छोड़ दिया था। 90 के दशक के दौरान वह सैफ अली खान के साथ आशिक, आवारा, क्रांतिवीर और सलमान खान के साथ करण अर्जुन जैसे बड़े हिट फिल्मों में नजर आई। ज्यादातर फिल्मों में वह ग्लैमरस रोल में ही नजर आते दिखाई दी हैं, तथा उनपे फिल्माए गाने और डांस को भी काफी पसंद किया गया है। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए सोच विचार मीडिया पर। धन्यवाद।